हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिड बायोगन वंस अगेन। दोस्तों, हमारे जब भी बाल झड़ना शुरू होते हैं तो हम कई सारे ऑयल्स की तरफ जाते हैं, लाइक केश कांति, केश किंग और भी कई सारे ऑयल, जैसे कि इंदुलेखा। और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे तेल हैं जो कि दावा करते हैं कि इनसे आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वह भी ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको गंजापन है तो गंजापन भी ठीक हो जाएगा, और भी आपकी हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। पर दोस्तों, इसके विपरीत होता यह है कि आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और आप अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट करने के बाद भी इसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने कई सारे ऑयल लगाए होंगे जिनके कारण आपके बाल तो झड़ना बंद हुए ही नहीं होंगे, इसी के साथ साथ आपको हेयर से रिलेटेड और भी कई सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यह ऑयल सारे के सारे बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक के नाम पर बिकते हैं और दावा किया जाता है कि इससे आपकी सारी के सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और इसी के साथ साथ ज़्यादा महंगा भी नहीं और पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जिसके कारण आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, उस ऑयल का नाम है मामा अर्थ हेयर ऑयल, जो कि आपने कंपनी सुनी ही होगी, जो कि प्योर नेचुरल प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, और यह इंडिया बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ऑयल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से इसको लगाना है, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है, किन लोगों को यह लगाना चाहिए और किन लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो पहुँचती रहे और हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका हेयर फॉल होता है तो आपको तीन कारणों से भाई मेनली होता है, जेनेटिक, पॉल्यूशन और किसी न्यूट्रिएंट की कमी से। इसके अलावा भी अन्य कई कारण होते हैं, पर यह तीनों में कारण मेन होते हैं जिसके कारण आपको हेयर फॉल होता है। पर दोस्तों, आपका हेयर फॉल किसी भी कारण से हो रहा हो, यह ऑयल आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है और आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यह 599 रुपीज़ का आपको 250 ml मिलता है। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको लिंक से खरीदना है तो आप लिंक में जाकर खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मिला गया ऑनियन, जेजोबा ऑयल, सनफ्रोबल ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी, ब्रिंगराज, लाइम और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जिनके कारण आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ आपके बालों की हर प्रॉब्लम में आपको बेनिफिट देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं मिलाया गया है, और इसी के साथ साथ कोई भी सिलिकॉन नहीं मिलाया गया है। अगर आप भारतीय मार्केट में ऑयल्स देखेंगे तो उनमें कई सारे मिनरल ऑयल भी मिलाए जाते हैं और सिलिकॉन भी मिलाए जाते हैं, इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा परफ्यूम मिलाए जाते हैं और काफ़ी सारे टॉक्सिन केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनके कारण आपके बाल तो खराब होते ही हैं और इसी के साथ साथ आपको कई सारी स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, वह हेयर फॉल आपका एक मंथ के अंदर ही रुक जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी बहुत तेज़ी से हेयर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी आपके बालों के अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही डल हैं, बहुत ही ड्राई हैं, तो वह शाइनी बन जाएंगे और उनमें एक मॉइस्चराइज लॉक हो जाएगा, और इसी के साथ यह आपके स्कल को भी नरिश रखता है, जिससे कि आपको सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तब भी आप इसको नॉर्मली इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर के तेल लगाते हैं तो उनमें कई सारे टॉक्सिन केमिकल आते हैं जिनके कारण आपको बहुत सारी बालों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है जिसके कारण आपको 100% बेनिफिट्स मिल सकें। तो दोस्तों, इसमें एक कॉम्ब लाइक कैप दिया जाता है, जिससे कि आप अपने बालों को दो साइड में डिवाइड कर लीजिए, और इसी के साथ साथ आप इसको जड़ों तक फैला लीजिए और इसको रात भर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप इसको सुबह अच्छे से वॉश कीजिए, उसके बाद ही बाहर जाइए, वरना अगर आप इसको लगाकर बाहर जाएंगे तो आपके स्कैल्प में और ज़्यादा धूल मिट्टी जमा होगी और आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इसको रात भर लगाकर छोड़ दीजिए और आप इसको सुबह वॉश कर लीजिए। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों का बहुत ऑयली स्कैल्प होता है, तो वैसे तो यह ऑयली चिपचिपापन नहीं देता है आपको, पर अगर फिर भी आपको चिपचिपापन लगता है तो आप इसको 2-3 घंटे तक लगा कर रखिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यह हर हेयर टाइप के लिए बेनिफिशियल होता है, आप इसको किसी भी हेयर टाइप में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई टॉक्सिन केमिकल मिलाया गया है और इसी के साथ ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया गया है जो कि आपके बालों को नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आई होप आपको यह पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। दोस्तों, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।